नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइव नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से पांच जानकारियां लेकर आई हूं। पहला दोस्तों, आज आपको एक लाइफ सेविंग हैक बता रही हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके या जहां आपको लगता है कि आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहने वाला है, तो उस जगह जाने से पहले आप गूगल मैप्स में जाकर उस एरिया का ऑफलाइन मैप नेविगेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अगर आप उस जगह जाते हैं और आपका मोबाइल नेटवर्क चला गया, तो आप अपना फ़ोन का GPS ऑन करके उस एरिया का मैप डाटा डाउनलोड करके पुनः सुरक्षित जगह पर आ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, क्या आप जानते हैं 56 वर्षीय माइकल पिकार्ड नाम के एक व्यक्ति को हम बैक वेल ने जिंदा निगल लिया था और 30 से 40 सेकंड तक उसके मुंह में रहने के बाद उसने सतह पर आकर थूक दिया। उनका कहना था कि इससे उन्हें कोई चोट नहीं आई। तीसरा, साल 1854 में जब लंदन में कोलेरा ने अपना आतंक फैला रखा था, तब एक फिजिशियन जॉन स्नो ने यह खोज की कि कोलेरा असल में दूषित पानी के पीने के कारण हुआ है, ना कि हवा में फैलने के कारण हुआ है। इस रोग ने उस समय प्राय 600 लोगों की जान ली थी, जो कि प्रदूषित पानी के पीने के कारण हुआ था, जबकि वो लोग बच गए थे जिन्होंने पानी के बजाय सिर्फ शराब पिया था। चौथा दोस्तों, 90 के दशक में हारोल्ड बर्गेस नाम के व्यक्ति ने विश्व के सबसे ऊंची ट्री हाउस का निर्माण किया था क्रॉसविल के टेनीसी में। उसने ये दावा किया था कि ईश्वर ने उसे ये घर बनाने को कहा था, जो कि तैयार होने में 12 साल लग गए। 97 फुट लंबा 5 मंजिला घर था, जिसमें 80 रूम्स, क्लासरूम्स, किचन और बेडरूम्स भी थे, परंतु 2019 में पूरा घर सिर्फ 15 मिनट में जलकर राख हो गया। पांचवा, शिकागो के जारेट अडाम्स को 17 साल की उम्र में झूठे रेप केस में फंसाया गया था, जिसके बाद उन्हें 28 साल की सजा सुनाई गई। उस वक्त उनके पास किसी वकील को हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जेल में ही लॉ की पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद का केस खुद लड़ा और 8 साल में ही रिहा हो गया। अब वे शिकागो के जाने माने वकील है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।